डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, सवेरे सवेरे हम लोग मुखातिब हैं और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज डिस्कशन करेंगे। वर्षा का समय चल रहा है, ठीक है। आप लोग सुनते होंगे कि कई जगह ज़मीन में पानी का स्तर कम हो गया है, नीचे चला गया है, पानी ख़त्म हो गया है, और उससे संबंधित हम लोग बात करते हैं वर्षा जल संचय या रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। ये प्योरली इंजीनियरिंग टर्म है और इस पर गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल में काम भी करती है। तो आप रेन का पानी का साइकिल समझिए, समुद्र में पानी है, सूरज की रोशनी और हवा से मिलकर वहाँ पर बादल बनता है, वो बादल लैंड मास की तरफ भी आता है और समुद्र में भी रहता है, और अलग अलग परिस्थितियों में बादल बरसा होकर ज़मीन पर गिरता है, समुद्र में गिरता है, और ज़मीन का वर्षा वापस समुद्र में आता है डिफरेंट अलग अलग नदी नालों के थ्रू। शहर का पानी नालों के थ्रू प्रोसेस होते हुए नदी, बड़ी नदी, फिर समुद्र में जाता है, और थोड़ा बहुत पानी सीधे ज़मीन के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो आपने हाल फिलहाल में सुना कि शायद अफ्रीका का केप टाउन, मद्रास, बेंगलोर वगैरह में भी पानी का बहुत शॉर्टेज हो गया। पानी का शॉर्टेज हो गया मीन्स क्या, पीने का पानी का शॉर्टेज हो गया। पृथ्वी पर दो तरह का पानी है, खारा पानी और मीठा पानी। खारा पानी अलग अलग डेफिनेशन है, सरल भाषा में समझा रहे हैं। खारा पानी वो समझिए कि जो कि नमकीन होता है, समुद्र में होता है। मीठा पानी हो जो झरना, नदी, नालों और ज़मीन के अंदर होता है। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, समुद्र के अलावा जो जीव जंतु पृथ्वी जमीन के ऊपर है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी मीठा पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये मीठा पानी उनको नदी, झरना, तालाब और ज़मीन के अंदर संचित पानी के भंडार से प्राप्त होता है। समय के साथ साथ पृथ्वी पर हर चीज़ का आबादी बढ़ता गया, मनुष्य का, जानवर का, पेड़ पौधों का भी बना, पशु पक्षी का भी बना। पेड़ पौधों के इन दर्शन कि जो हम फसल उपजाते हैं वो धीरे धीरे करके उसका उत्पादन बढ़ाते हैं। उत्पादन को बढ़ाने के लिए पानी, मीठा पानी का उपयोग अधिक करते हैं। उसी तरह जो हमारा जानवर है उसका संख्या भी बढ़ा अलग अलग कारणों से, उनका भी फीडिंग करने के लिए होता है। इसके अलावा जो हमारा पृथ्वी के ऊपर में, ज़मीन के ऊपर में जो इंडस्ट्री लगा हुआ है, वो इंडस्ट्री में भी बहुत अधिक पानी का यूज़ किया जाता है, और आज के डेट में पानी का बहुत ही यूज है। जितना भी बड़ा फैक्ट्री दिख रहा है सभी में पानी का यूज है, क्योंकि वहाँ पर धोने के लिए, ठंडा करने के लिए, तापमान को नियंत्रण करने के लिए भी पानी का ज़रूरत होता है। ये सभी रिवर वाटर यानी मीठा पानी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जब इस्तेमाल बढ़ रहा है, हमारे पास एनवायरनमेंट में पानी उतना ही है, ठीक है। एक समय में 100 यूनिट पानी था पृथ्वी के अंदर जिसको हम इस्तेमाल करते थे। 100 यूनिट मानिए इस्तेमाल करने लायक पानी था। उसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास 70 यूनिट कंज्यूमर था पेड़ पौधा से मिलाकर। अब वो पानी 100 यूनिट से कम होते जा रहा है, और इस्तेमाल करने वाला जो 60-70 यूनिट था 120, 140, 150 होते जा रहा है। कम होते जा रहा है दर्शन क्यों कम होता है कि जब उस पानी का हम लोग, मीठा पानी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल किया हुआ पानी को जब हम छोड़ते हैं वापस, तो वो पानी किसी न किसी माध्यम से फिर समुद्र में चला जाता है, सागर में चला जाता है। वो जब तक ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा तब तक उसका नेचुरल फिल्ट्रेशन नहीं होगा, और उस पानी को दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेचुरल फिल्ट्रेशन दरअसल जो इस्तेमाल किया हुआ पानी है उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटी होता है, तो उसको ज़मीन के अंदर जाएगा तभी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसा भी इस्तेमाल किया हुआ पानी होता है जिसमें
जो इम्प्योरिटी होता है वो घातक होता है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे टॉयलेट वगैरह से निकला हुआ पानी, जो इंडस्ट्री से निकलता है पानी वो भी बहुत ही घातक होता है, उसमें तरह तरह केमिकल मिला रहता है। तो उस तरह के पानी कोई ज़रूरी है कि वातावरण में छोड़ने के पहले उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है, ताकि वातावरण में जो छोड़े नदी नाले में और समुद्र में छोड़े उसके प्रभाव से दूसरे जीव जंतु पेड़ पौधे प्रभावित नहीं। उस सिस्टम को बोलते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वो होता है जो कि हमारा टॉयलेट वगैरह से इंडस्ट्री से निकल के गया हुआ पानी को ट्रीट करके उसको हानि रहित बना के छोड़ा जाता है नदी नाला और समुद्र में, ठीक है। तो ये पानी का साइकिल, पानी का खर्चा के बारे में होता है, ठीक है। अब धीरे धीरे इस्तेमाल करने लायक पानी का बहुत बड़ा समस्या होते जा रहा है, तो इसी को बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वर्षा जल संचय का योजना दुनिया का हर देश में स्टार्ट किया गया है, अपने देश में भी। हाल फिलहाल में जो होता है वो आप देखेंगे कि सरकार सब्सिडी या अपने खर्च से जगह जगह गांव में, शहर का नहीं बोलो, गांव में तालाब बनाता है, ताकि जो वर्षा का पानी हो तो नदी नालों से बहकर समुद्र की तरफ नहीं जाए और दूसरे वहां पर जो बनाया गया तालाब है उसमें इकट्ठा होकर वहां से ज़मीन के नीचे चला जाए, जिसका इस्तेमाल हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि शहर जो होता है जहाँ पर तालाब बनाने के लिए जगह नहीं है, वहाँ क्या करती है गवर्नमेंट, वहाँ शहर में क्या होता है, मोहल्ला होता है, कॉलोनी होता है, बिल्डिंग होता है, शहर से कुछ दूर पर इंडस्ट्री होता है उसका कॉलोनी होता है, और पॉपुलेशन एक ही जगह पर काफ़ी सारा पॉपुलेशन होता है। गाँव में पॉपुलेशन फैला हुआ है, शहर में एक ही जगह पर, इंडस्ट्री में भी एक ही जगह पर होता है। तो गवर्नमेंट ने नियम बनाया है कि शहर और वैसे इंडस्ट्रियल इलाका में जहाँ पानी का इस्तेमाल होता है और ट्रीटमेंट के बाद शहर का पानी को ट्रीट करना ज़रूरी है, अगर वो बरसात से नहीं हो रहा है तो ट्रीटमेंट के बाद वो पानी को छोड़ना है, रेन वाटर जैसे जाता है जिस एरिया से जाता है नदी नाला उसमें, लेकिन जो टॉयलेट वगैरह का पानी है उसका डायरेक्ट इस्तेमाल आदमी नहीं कर सकता, ठीक है, वो हानिकारक होता है। तो जो दूसरा पानी है जिसको हम लोग छोड़ सकते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं पृथ्वी के अंदर, उसके लिए गवर्नमेंट ने टेक्निकली डेवलप किया जिसको हम लोग बोलते हैं रिचार्ज पिट, मतलब हमारा बिल्डिंग वगैरह के ऊपर में जो गिर रहा है पानी, हमारा कैंपस के अंदर में जो गिर रहा है पानी बारिश जो हो रही है, हमारा इंडस्ट्रीज जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री उसके अंदर, उसके कैंपस के अंदर में जो पानी है वो पानी इकट्ठा होके एक जगह आता है और जो रिचार्ज पिट बनता है वो रिचार्ज पिट के थ्रू ज़मीन में चला जाता है। रिचार्ज पिट एक मैन मेड स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग टाइप से बनाया जाता है। मोटा मोटी ये समझिए कि इसका एक कैलकुलेशन होता है, उस एरिया में मैक्सिमम कितना वर्षा हुआ एक घंटा दो घंटा या एक दिन के हिसाब से, उस हिसाब से रिचार्ज पिट का वॉल्यूम बनाया जाता है, एक गड्ढा बनाया जाता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करके, वो पीट का दीवार वाल जो होता है तो ईट का हो सकता है या आरसीसी का हो सकता है, उसके बीचों बीच एक पाइप, पोरस पाइप, छिद्रदार पाइप डाला जाता है, और जब पानी सभी जगह जमीन का भराव, देखिए शहर है इंडस्ट्री है तो मिट्टी के भराव का भी एक नियम है, मिट्टी का ढाल किधर होना चाहिए, जो नाला बना है वो किधर होना चाहिए, तो सभी का ढाल ऐसा बनाया जाता है कि उस एरिया में जितने भी बारिश हो वो सभी पानी जो है वो रिचार्ज पिट में आए और उस छिद्रदार पाइप से होते हुए वो पानी जमीन के नीचे चला आए, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी नया नहीं है, नया हमारा
बसोबास सिस्टम हो गया है, नया हमारा इंडस्ट्री हो गया है पहले की अपेक्षा। पहले इंडस्ट्री नहीं हुआ करता था, बहुत ज़्यादा ग्रामीण सभ्यता था, हमारा कॉलोनी बहुत बन गया है, ये चीज़ नया है, ठीक है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग कोई नया चीज़ नहीं है, ये जमाने पहले जो हमारे देश में भी कुछ ऐसा इलाका है जहाँ पर पानी की बहुत किल्लत रहती है, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी गुजरात का भाग जो है वहाँ पानी का बहुत ही अधिक किल्लत रहता है। खास करके राजस्थान जाएंगे तो आप सुनेंगे बाबड़ी, ठीक है। वो बाबड़ी वही स्वरूप था जो राजा महाराजा थे उस इलाके के, वो बाबड़ी बनाते थे, एक गहरा गड्ढा बनाते थे, पत्थर को डाल डाल कर दीवार बनाया जाता था, खूबसूरती के लिए उसमें नक्काशी भी किया जाता था। और राजस्थान का मिट्टी ऐसा है कि करीब करीब 3 मीटर सैंड है, उसके बाद कहीं बेंटोनाइट सोयल है, कहीं और भी सोयल है, अलग अलग टाइप का सैंडी सोयल है। जब वहाँ बारिश होती है तो ऊपर में रहता नहीं, 3 मीटर तो तुरंत नीचे जाता है, फिर धीरे धीरे जमीन के नीचे आता है। तो बारिश होने से क्या होता था, तो बाबरी बनाने से क्या हुआ, तो बारिश का पानी जो नीचे चली गई है, अब 3-4 मीटर नीचे गई है सैंड को के लेयर के बाद, उसके बाद बाबरी का स्टार्ट किया जाता था बनाना, और चारों बगल से वो पानी फिल्टर होकर बाबरी में इकट्ठा होता था, उसका इस्तेमाल लोग नहाने के लिए और पीने के पानी के लिए किया जाता था। शाही महल में अलग से शाही लोगों के लिए अलग से बाबरी बनाया जाता था, राजा महाराजा ग्रामीणों के लिए भी बाबरी बनाते थे। तो उस इलाके में, राजस्थान के इलाके में जो ग्रामीण इलाका था जहाँ पर बाबरी की सुविधा नहीं है, आप भी देखते होंगे आज के डेट में भी कहीं वाटर टैंक बना हुआ है, कहीं हैंडपम्प लगा हुआ है। तो जो ग्रामीण इलाके में गांव के लोग थे, एक कुआं बनाते थे, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में भी कुआं होता है, ज़मीन का पानी उसमें आता है, वैसे ही वहाँ भी राजस्थान में कुआं बनाता है और शायद अभी भी बनाता है, उसको वहाँ के लोकल लैंग्वेज में बुलाया जाता है कुइयां, ठीक है। वो ऑगी सेप्ट का होता था, ज़मीन के बहुत ही नीचे बालू हटा के 7-8 मीटर तक, 5 मीटर तक अगर खोदेंगे, मेरे हिसाब से 7 या 8 मीटर भी खोदेंगे राजस्थान में तो पानी नहीं निकलेगा वहाँ, कम चांसेस है। तो नीचे में ऐसा गोलाकार रहता था और ऊपर में पतला हो जाता था, आप सुराही देखे होंगे तो पता चल जाएगा, ऐसा ऊपर में पतला है और नीचे में ऐसा फैल के गोला हो गया, ऊपर में ढक्कन लगाता था। अब चारों बगल से पानी उस कुया में इकट्ठा हो गया, ऊपर से ढक्कन, जब भी बरसा हुआ उसमें पानी इकट्ठा हुआ, सालों भर उस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता था, ठीक है, कुएँ। आज के दिन में अब हम पहले का बात बोलते हैं, तो पहले जितना पानी पीने लायक पानी का है, ज़मीन के अंदर कुआं से लिया जाता है, तालाब से लिया जाता है, छान कर बॉयल करके पीते हैं, नदी का पानी दूषित हो गया लेकिन माना जाता है वो भी पीने लायक, सर्वश्रेष्ठ पानी पीने लायक ज़मीन के अंदर का होता है, उसमें इम्प्यूरिटी होने का, खतरनाक चीज़ होने का संभावना कम है। तो इस ढंग से हमारा आबादी बढ़ गया, पेड़ पौधा पशु पक्षी सब मिला के, तो पीने का पानी हमारे पास रह गया है, ठीक है। कालांतर में एग्रीकल्चर बढ़ा, सब्जी बढ़ा, खेती बाड़ी बढ़ा, इस्तेमाल बढ़ा, लोगों के पास पैसा आया, सभी अपने अपने घर में, अपने अपने बिल्डिंग में हैंडपम्प जो ट्यूबवेल होता है अलग अलग साइज का, 1.5 इंच, 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच, ऐसा करके ट्यूबवेल डालकर वहाँ से पानी निकाल कर शुरू किया। अब हजारों हजार आदमी है शहर में, वहाँ से पानी निकालना शुरू किया, 100 लीटर निकाल दे, 50 लीटर काम हुआ, 50 लीटर नाला में चला गया और वो फिर जो है सो वेस्ट हो गया, जो पीने लायक था नाला में गया, नाला से समुद्र में जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा वो गया। तो इस ढंग से जितना इस्तेमाल होता है, होना चाहिए था, उससे अधिक पानी निकलने लगा और पानी जो ज़मीन के नीचे था सो और नीचे चला गया, कहीं कहीं ख़त्म हो गया। अब अलग मुद्दा है, ज़मीन के नीचे जहाँ पानी रहता है
उसको जमीन के नीचे बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा मिनरल मिलता है, पेट्रोलियम है मिलता है, ठीक है, तेल। जमीन के नीचे जहाँ पानी रहता है वहाँ बोलते हैं एक्वीफर, ठीक है। जैसे तालाब जमीन के ऊपर रहता है पॉन्ड बोलते हैं, जमीन के नीचे जहाँ पानी रहता है उसको बोलते हैं एक्वीफर, ठीक है। एक्वीफर का हिंदी हमको नहीं मालूम। एक्वीफर से पानी निकालने के लिए पहले तो ये पता चलना चाहिए कि यह एक्वीफर है, यहाँ पानी है। ये कैसे पता चलता है? हमारे यहाँ एक संस्था है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करते हैं, जो आपको बताएगा कि वो सर्वे करता है, सेटेलाइट सर्वे और डिफरेंट टाइप का सर्वे, सर्वे से पता चलता है कि ज़मीन के इतने नीचे पानी है, इतना नीचे पेट्रोलियम है, इतना ये है, उतना ये है या नहीं, वो बताता है। वो आपको डाटा देगा भाई इस एरिया में ज़मीन के इतना नीचे पर पानी है, मतलब वहाँ पर एक्वीफर है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एजेंसीज होता है, जो पीने का पानी निकालने के लिए जिसको ठेका दिया जाता है, वहाँ तक पतला बोर करके क्षेत्र करके वहाँ से पानी का सैंपल निकाल के वो पता लगाता है यहाँ पर कितना पानी है और ये पानी पीने लायक है कि नहीं। अगर पीने लायक है तो यहाँ से जो पानी निकलेगा उससे कितना आदमी को पानी दिया जा सकता है। ये इसलिए कि हजारों लाखों परिवार है शहर में, सब अपना अपना हैंडपम्प लगा लिया, ट्यूबवेल डलवा लिया, तो पानी सभी निकाल रहा है, तो स्टॉप डाउन होगा। सरकार के सोच में अभी यह है, प्राइम मिनिस्टर के सोच में, कि शहर में दो या तीन चार जगह, गांव में एक जगह, पंचायत में हम लोग एक जगह सेंट्रलाइज पानी निकाल लेंगे, उसको टैंक में डालेंगे। ये ज़मीन के पानी की व्यवस्था के बारे में बोले, उसको टैंक में डाल लेंगे, फिर हर ग्रामीणों को घर में देंगे। वहीं ऐसा जगह जहाँ नज़दीक के नदी में बहुत आयात में पानी है और बहता हुआ पानी है, तो उस पानी का इस्तेमाल भी गवर्नमेंट करती है पीने के पानी के रूप में। वहाँ पर भी ये डिसीजन लिया जाता है कि इस नदी से कितना पानी निकलना है, आपको परमिशन लेना पड़ेगा। सरकार में ही पानी वाले विभाग को परमिशन लेना पड़ेगा, माइनिंग डिपार्टमेंट से या वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से, कि हम इस नदी से पानी निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो सरकार का प्रयास ये है कि पानी सेंट्रलाइज रूप से हम एक जगह दो जगह से निकालें और वहाँ से पाइप के थ्रू सभी को दे हम पानी पीने के लिए, ठीक है। तो ये व्यवस्था है। अब देखिए, ज़मीन के अंदर जो पानी रहता है उसको बोलते हैं एक्वीफर, आपको पता पता है। उसमें से एक होता है पर्च्ड एक्वीफर। पर्च्ड एक्वीफर क्या होता है? पर्च्ड एक्वीफर में जो पानी है दो सॉलिड लेयर के बीच में ट्रैप रहता है, ऐसा ऊपर पत्थर नीचे पत्थर पानी है, उसको पर्च्ड एक्वीफर बोलते हैं, ठीक है, बंद है। एक पानी होता है कि ज़मीन के नीचे अलग अलग टाइप का मिट्टी होता है, ठीक है। तो पानी कैसे आता है? अलग आपको बताया कि हर जगह बारिश का पानी गिरता है, कुछ पानी नीचे आता है कुछ ऊपर। तो उसके बाद क्या होता है कि नीचे आप गांव में भी देखते होंगे, नीचे खुदता है तो कीचड़ निकलता है। तो ज़मीन का मिट्टी का अलग अलग लेयर में भी पानी होता है। सबसे आसान और सबसे सुरक्षित पानी निकालने का जो लेयर होता है, जहाँ पथरीला और थोड़ा मोटा बालू का कण प्राप्त होता है, वहाँ से पानी निकालना आसान होता है, सुरक्षित भी होता है, ठीक है। अब एक और चीज़ है, जो पहाड़ में आप जाएंगे या पहाड़ी स्लोप पर अगर आप कभी जाने का मौका मिलता है, तो जैसे आगे पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर में भी बहुत सारा झील तालाब प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, आजकल डैम भी बनाते हैं, तो ऊपर हाइट पर नेचुरली भी इकट्ठा रहता है पानी, वो पानी ज़मीन में गिरता है और जहाँ जहाँ ज़मीन से उसको मौका लगता है तो लैंड मास पानी ऊपर से आ रहा है, कहीं ज़मीन पतला है तो ज़मीन में से बाहर निकल जाएगा, और कभी कभी प्रेशराइज रहेगा तो बहुत तेज उसमें से धार निकलता है पानी का। इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग आर्टिजियन वेल, ठीक है। पहाड़ से जब पहाड़ के ऊपर से पानी गिरता है, जिसको आप देख रहे हैं, वो झरना होता है,
और कहीं पहाड़ के नीचे मिट्टी, ऐसा पहाड़ जा रहा है नीचे आया पानी धीरे धीरे, और पहाड़ का कहीं जगह पतला लेयर उसको पार करके बाहर निकल गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्टेजियन। तो उम्मीद करते हैं कि ये पानी का समस्या